नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्यसभा सांसद और बीजेपी नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने चीन को लेकर मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। स्वामी ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार लद्दाख और अरुणाचल की जमीन को चीन के हाथों खोती जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही भारत ने कई मित्र पड़ोसी देशों को भी चीन के साथ जाने दिया है। सुब्रमण्यन स्वामी ने भविष्य के और अधिक खतरों की ओर ध्यान खींचते हुए कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जल्द ही कश्मीर में आतंकी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ये सब मास्टर स्ट्रोक नहीं हो सकता है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कुछ दिन पहले एक बयान देकर सियासत में खलबली मचा दी थी। मलिक ने कहा था कि जब वे कश्मीर के उपराज्यपाल बने तब उनके पास दो फाइलें आई थीं। मलिक के मुताबिक एक फाइल में अंबानी शामिल थे जबकि दूसरी फाइल में आरएसएस के एक बड़े अफसर। राज्यपाल ने कहा था कि जिन विभागों की ये फाइलें थीं उनके सचिवों ने उन्हें बताया था कि इन फाइलों में घपला है और सचिवों ने उन्हें यह भी बताया कि इन दोनों फाइलों में उन्हें 150-150 करोड़ रुपये और उन सचिवों ने उन्हें यह भी बताया कि इन दोनों फाइलों में उन्हें 150-150 करोड़ रुपये मिल सकते हैं। मलिक ने कहा कि उन्होंने इन दोनों फाइलों से जुड़ी डील को रद्द कर दिया था। चर्चा इसी बात को लेकर हुई कि आखिर वह आरएसएस के बड़े अफसर कौन थे। इस बीच अब आरएसएस से जुड़े और बीजेपी के नेता राम माधव ने कहा कि सत्यपाल मलिक जब तक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे तब तक हुए सभी समझौतों की फाइल्स की जाँच होनी चाहिए। माधव ने पत्रकारों से कहा कि सत्यपाल मलिक ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा है कि जम्मू कश्मीर में एक फाइल में मेरा नाम था और इस बारे में पैसे देने का भी जिक्र किया था। इस तरह के आरोप झूठे हैं। मेरा नाम या मेरे कहने पर किसी तरह की फाइल का सवाल ही नहीं उठता। मध्य प्रदेश के भोपाल में वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग कर रहे प्रकाश झा की टीम पर हमले और उनके चेहरे पर स्याही फेंकने के मामले के बाद मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस वेब सीरीज का नाम आश्रम ही क्यों रखा जा रहा है, किसी और धर्म पर इसका नाम रखकर देखिए फिर समझ में आएगा। ऐसा काम ना किया जाए जिससे दिक्कत हो और विवाद की स्थिति बने। उन्होंने इस वेब सीरीज का नाम बदलने के लिए भी कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार नई गाइडलाइन जारी करने जा रही है। शूटिंग से पहले प्रशासन को स्क्रिप्ट दिखानी होगी, उसके बाद अनुमति लेकर ही इसकी शुरुआत करें। एनसीबी ने अपने मुंबई जोन के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ विजिलेंस जाँच के आदेश दिए हैं। बता दें कि समीर वानखेड़े आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच कर रहे हैं। रविवार को इस मामले में एक गवाह प्रभाकर सेल ने दावा किया कि समीर वानखेड़े की तरफ से आर्यन को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपए की मांग की गई, जिसमें से 8 करोड़ वानखेड़े को मिलने थे। इसके बाद से ही महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर हमले तेज कर दिए। एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने इंडिया टुडे को बताया कि वे वानखेड़े के खिलाफ लगे आरोपों की जाँच की निगरानी कर रहे हैं। क्या वानखेड़े अपने पद पर बने रहेंगे, इस सवाल के जवाब में ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि इस बारे में टिप्पणी करना जल्दबाजी होगा और अभी जांच शुरू ही हुई है। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के बीच चल रहा घमासान और तेज हो गया है। नवाब मलिक ने सोमवार को एक जन्म प्रमाण पत्र ट्विटर पर पोस्ट किया है और दावा किया है कि यह समीर वानखेड़े का है। मलिक ने इस जन्म प्रमाण पत्र के जरिए दावा किया कि वानखेड़े ने अपनी नौकरी हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था। मलिक ने इसके कैप्शन में लिखा है, यहाँ से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा। इस जन्म प्रमाण पत्र में लिखा है कि इसे बृहन मुंबई नगर पालिका यानी बीएमसी की ओर से जारी किया गया है। इसमें समीर वानखेड़े के पिता का नाम दाऊद के वानखेड़े लिखा है, जबकि समीर वानखेड़े के पिता का नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है और एनसीबी की वेबसाइट पर समीर वानखेड़े का आधिकारिक नाम समीर ज्ञानदेव वानखेड़े है। जबकि वानखेड़े ने कहा है कि मलिक उनकी मां और उनके धर्म को बीच में घसीट रहे हैं। समीर वानखेड़े के जन्म प्रमाण पत्र को नवाब मलिक के द्वारा जारी किए जाने के बाद एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े ने कहा कि वो बहुधार्मिक और सेक्युलर परिवार से ताल्लुक रखते हैं। वानखेड़े ने एक बयान जारी कर कहा कि मेरे पिता हिंदू हैं और मेरी मां मुसलमान थी। मेरे परिवार से जुड़े निजी कागजात ट्विटर पर पोस्ट करना निजता का हनन है। वानखेड़े ने कहा कि मुझे महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के बदनाम करने वाले हमलों से दुखी हूँ। आज 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अभिनेता रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनको उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पुरस्कार से नवाजा। इसके अलावा कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला तो मनोज वाजपेयी को भोसले और धनुष को असुरान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य भर में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश जल्द ही भारत का मेडिकल हब बन जाएगा।
पीएम ने इसके साथ ही समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और कहा कि पहले भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे चलती थी। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 10 लाख तक के इलाज को मुफ्त करने का ऐलान किया है। प्रियंका ने कहा कि कोरोना काल में और अभी प्रदेश में फैले बुखार में सरकारी उपेक्षा के चलते उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर हालत सबने देखी है। सस्ते व अच्छे इलाज के लिए घोषणा पत्र समिति की सहमति से यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर कोई भी हो बीमारी मुफ्त होगा 10 लाख तक का इलाज सरकारी। अफ्रीकी देश सूडान में तख्तापलट की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार सेना ने सूडान के मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्यों और बड़ी संख्या में सरकार समर्थक पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि सेना ने प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक को नजरबंद कर दिया है और 4 कैबिनेट मंत्रियों, कई राज्य के राज्यपालों और पार्टी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि सेना की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। वहीं सूचना मंत्रालय ने कहा है कि सैन्य बलों ने संप्रभु परिषद के नागरिक सदस्यों और सरकार के सदस्यों को गिरफ्तार किया है और उन्हें एक अज्ञात स्थान पर ले गए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।